और मैन हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कटअप शो। और आज के वीडियो में दोस्तों 7 जून और 8 जून दोनों का कंबाइंड करंट अफेयर्स हम लोग देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। वैसे भी आप लोग जानते होंगे संडे और मंडे का मैं कंबाइंड ही लाता हूँ जनरली, ठीक है, क्योंकि एक दिन तो मुझे भी छुट्टी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। हाँ, सब्सक्राइब आप लोग तभी करें जब आप लोग को वीडियो पसंद आए, ऐसे ही झूठ मूठ का सब्सक्राइब नहीं करना है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे चैनल खुल जाएंगे, सब्सक्राइब ही करते रह जाएंगे आप, ठीक है। तो अगर जो वीडियो लाइक करते हैं आप लोग तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन मैंने ऐड किया है, बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको तभी पहुंच जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं, ठीक है दोस्तों। और बाद बाकी कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर याद कैसे करें, तो याद रहने का मैं इस बार से गारंटी लेता हूँ कि आप लोग को करंट अफेयर याद रहेगा ही रहेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और आगे से भी ऐसे ही वीडियो आएंगे, और इसका PDF आपको t.me/thecutupshow पर मिल जाएगा, जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो पहला क्वेश्चन जो कि मैंने पूछा था पिछले वीडियो में, तो उसका सही जवाब दिया तबस्सुम ने और भीवन लॉक्स ने। अब भीवन लॉक्स का क्या नाम है एक्चुअल मुझे तो नहीं पता, भीवन लॉक्स लिखा हुआ था, तो तबस्सुम शाह और भीवन लॉक्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो पहला क्वेश्चन मेरा था कि कौन से स्टेट ने टॉप रैंक रखा है नीति आयोग के तीसरे जो SDG इंडिया इंडेक्स 2021 था। SDG का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, आप लोग जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। तो वो स्टेट था केरल दोस्तों। केरल ने नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, हेड कौन होता है दोस्तों, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो नीति आयोग का तीसरा जो SDG इंडिया इंडेक्स 2021 था उसमें टॉप रैंक पर आया था केरल, तो याद रखिएगा दोस्तों। और केरल के अभी चीफ मिनिस्टर कौन बने, पिनाराई विजयन। और एक से एक ये स्कीम जो है लागू करते जा रहे हैं, आज भी कोई स्कीम है जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और सबसे पिछला कौन रहा था दोस्तों, तो देखिए साक्षरता में सबसे टॉप कौन है, केरल, और साक्षरता में सबसे कम पर कौन है, बिहार। तो जहाँ केरल टॉप पर है बिहार वहाँ क्या है, लोअर पे है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा बिहार सबसे पीछे था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज MD ऑफ RBL बैंक। तो ये मैं लिखना भूल गया, CEO भी बने हैं और MD भी बने हैं RBL बैंक के, और वो कौन है फिर से बने हैं, तो आप लोग को नाम अगर जो याद होगा पहले तो इसमें भी नाम याद होगा, विश्ववीर आहूजा, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा विश्ववीर आहूजा, ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, ऑब्वियस सब बात है मुस्कुराएंगे ही, क्योंकि CEO और MD जो बन गए हैं RBL बैंक के। और इनको बनाता कौन है दोस्तों RBL बैंक का CEO MD, तो बनाता है, बनाएगा तो जनरली RBL बैंक ही, लेकिन कुछ होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं जिसके द्वारा RBI जो है नियुक्ति करता है CEO और MD को, ठीक है दोस्तों, प्राइवेट हो या सरकारी बैंक हो। तो RBI ने नियुक्ति किया CEO और MD पे RBL बैंक का, किसको, विश्ववीर आहूजा को। इससे पहले दोस्तों बैंक ऑफ अमेरिका जो है प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट बैंक है, ठीक है, उसके ये CEO MD रह चुके थे। तो सोचिए CEO MD के पद के लिए ये बने हैं, इसलिए ये मुस्कुरा रहे हैं। नाम भी है विश्ववीर, विश्व को वीर करने वाला, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा TV नरेंद्र भी कहीं मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि CII के ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं। प्रदीप चंद्र नायर का अगर जो बात किया जाए दोस्तों, तो असम राइफल्स जो है उसके DG कौन बनाए गए हैं, डायरेक्टर जनरल प्रदीप चंद्र नायर, तो ये भी याद रखिएगा। अरुण कुमार मिश्रा के बारे में अगर जो बात किया जाए दोस्तों, तो NHRC जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है दोस्तों, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये सब पर देखभाल करता है, उसके चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं, अरुण कुमार मिश्रा जी, ठीक है। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक टाइटल 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक किताब के लेखक कौन है। तो दोस्तों से मुझे याद आया, किसी ने कमेंट किया था कि दोस्तों नहीं बोलना, अब मैं सोच में पड़ गया हूँ, मुझे अब क्या बोलना चाहिए, भाइयों बहनों बोलना चाहिए इधर मोदी की तरह या फिर दोस्तों, लेकिन मैं कंटिन्यू ही रखूँगा दोस्तों पर, क्योंकि ये मेरा आदत है, ठीक है। आपके भी कुछ आते रहते हैं जिनको कि आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम को किसने लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 1232 किलोमीटर जाकर घर पहुँचना है, तो ऐसा काम कौन कर सकता है दोस्तों, विनोद ही कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा विनोद ही कर सकता है ऐसा 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम को किसने लिखा है, विनोद कापरी ने, तो याद रखिएगा दोस्तों विनोद कापरी ने लिखा है। इसमें दोस्तों देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो 7 आदमी है और 7 साइकिल है, और कुछ कुछ आदमी ने गमछा पहन के रखा है, तो इससे आप बताइए ये लोग क्या कर रहे होंगे। तो ये लिखा गया है दोस्तों 1232 किलोमीटर साइकिल से यात्रा किया था इन्होंने लॉकडाउन के दौरान 7 आदमी ने बिहार की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो उसी पर बुक लिखा है विनोद कापरी ने, तो विनोद कापरी जी को धन्यवाद बिहार पर बुक लिखने के लिए। और नीना गुप्ता ने क्या लिखा है, सच कहूँ तो बुक को किसने लिखा है, ऑटोबायोग्राफी लिखा है इन्होंने, नीना गुप्ता ने सच कहूँ तो।
और रवि शास्त्री कौन से बुक लिख सकते हैं, ये तो प्लेयर पर ही बुक लिख सकते हैं, कौन सा है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और सलमान रुश्दी का बात किया जाए दोस्तों, तो लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 का बुक किसने लिखा है, सलमान रुश्दी ने, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप विनर अनाउंसेज रिटायरमेंट, तो दोस्तों किस जर्मनी के फीफा विश्व कप विजेता ने संन्यास की घोषणा की है, तो ये हैं दोस्तों, ये इनकी हंसी आप देख सकते हैं, हंस तो नहीं रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कोई भी अनाउंस करता है रिटायरमेंट तो हंसता नहीं है, सामी खेदिरा, ठीक है दोस्तों, इनका नाम है सामी खेदिरा, और सामी खेदिरा जो है फीफा वर्ल्ड कप के विनर थे जिन्होंने कि अनाउंस कर दिया है रिटायरमेंट को, ठीक है दोस्तों। ये जो भी हंसी है दोस्तों, ये फोटो खिंचाने के लिए बस हंसी है, तो इनको याद रखिएगा सामी जी का नाम, ठीक है। गोल्ड मेडल यहाँ पर लिए हुए आप लोग देख सकते हैं, फीफा वर्ल्ड कप विनर थे तो गोल्ड मेडल लिए हुए थे, और उस टाइम का ये है, ठीक है दोस्तों। तो सामी खेदिरा आपको याद होगा दोस्तों, जब तेंदुलकर ने ये अपना अनाउंसमेंट किया था रिटायरमेंट का, तो वो बहुत भावुक हो गए थे, वो बहुत रो भी रहे थे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे रुलाई को ये इन्होंने छिपा लिया है, ठीक है दोस्तों, और सामी खेदिरा थोड़े बहुत हंसते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और बात करें फिल मिकेलसन के बारे में दोस्तों, तो फिल मिकेलसन के बारे में मैंने आपको बताया ही था, पीजीए चैम्पियनशिप जो है 2021 का इन्होंने जीता है, और 50 साल की उम्र में इन्होंने जीता है। नोवाक जोकोविक का अगर जो बात किया जाए, कल ही मैंने बताया था, एक तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, दूसरे क्या है, 83rd नंबर के कैरियर टाइटल को इन्होंने जीता है, और कल इन्होंने क्या जीता है, मतलब कल के करंट अफेयर मैंने क्या बताया था, बेलग्रेड ओपन टेनिस चैम्पियनशिप को इन्होंने जीता है, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और संजीत कुमार के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो संजीत कुमार गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं कहाँ पर दोस्तों, एशियान बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में, ABC में, एशियान बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर, तो ये हैं दोस्तों रंजीत सिंह दिसाले, इनको आप लोग जानते भी होंगे, रंजीत सिंह दिसाले को एक अवार्ड मिला था दोस्तों, कौन सा अवार्ड मिला था, ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 का, ठीक है दोस्तों, ये जो है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला था रंजीत सिंह दिसाले को। इनका नाम भी देखिए दोस्तों, रंजीत सिंह दिसाले है, ठीक है दोस्तों, तो जो अवार्ड वाले रहते हैं उनका नाम भी थोड़ा यूनिक रहता है दोस्तों, ऐसा नहीं रहता है कि अरुण वरुण, ऐसे नहीं रहता है दोस्तों, रंजीत सिंह दिसाले, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र के रूप में इनको चुना गया है, ठीक है दोस्तों। और बात करें डॉक्टर पैट्रिक अमोत को, तो इन्होंने हर्षवर्धन सिंह का स्थान को छीन लिया है दोस्तों इंडिया से, तो ये बहुत बुरी बात भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये अभी क्या है दोस्तों, तो WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है उसके चेयरमैन बन गए हैं, विवेक राम चौधरी के बारे में मैंने आपको बताया था, इंडियन एयरफोर्स जो है उसका वाइस चीफ कौन बने हैं, विवेक राम चौधरी जी, ठीक है। और जगजीत पवारिया के बारे में बताया जाए दोस्तों, तो वियना बेस्ड जो INCB है, ठीक है, उसके प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं, इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड जो कि वियना में है उसके प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं, जगजीत पवारिया जी, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन फॉर्मूला वन अजर बंजार ग्रैंड पिक्स, तो दोस्तों रेड बुल के ड्राइवर सर्जियो पेरेज, ठीक है दोस्तों, सर्जियो पेरेज रेड बुल के ड्राइवर हैं, ठीक है, रेड बुल गाड़ी के ड्राइवर हैं, फॉर्मूला वन रेसिंग कार जो होता है उसके ड्राइवर हैं सर्जियो पेरेज, और उन्होंने जीत लिया अजरबैजान ग्रैंड पिक्स को, तो याद रखिएगा दोस्तों सर्जियो पेरेज का नाम, पेरेज का नाम, और इन्होंने अजरबैजान का ग्रैंड पिक्स जीत लिया है। मैक्स वर्स्टपेन भी फॉर्मूला वन रेसिंग कार के ड्राइवर हैं, और ये इन्होंने कौन सा प्रतियोगिता जीता था दोस्तों, तो इन्होंने दो प्रतियोगिता जीता था, एक तो मोनैको ग्रैंड प्रिक्स और एक रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स, तो याद रखिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट अगर जो देखा जाए बाबर आजम के बारे में, तो बाबर आजम के बारे में अप्रैल मंथ का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मिला था इनको, और लेविस हैमिल्टन बहुत नामी प्लेयर हैं दोस्तों फॉर्मूला वन रेसिंग के, तो इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है, 2020 में सबसे ज़्यादा मेडल इन्हीं, मतलब ग्रैंड प्रिक्स जो सबसे ज़्यादा जीते थे लेविस हैमिल्टन नहीं जीते थे। और इस बार का भी बात करें तो स्पेन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने 5वीं बार लगातार जीता है लेविस हैमिल्टन ने, इन पर तो मैं बोल रहा हूँ अगर जो ये रिटायरमेंट लेंगे तो इन पर तो बुक लिखा ही लिखा जाएगा। और पोर्टुगीज ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने जीता है लेविस हैमिल्टन ने, तो याद रखिएगा दोस्तों। व्हाट इज इंडिया रैंक इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट, 17वां सतत विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट में भारत का पैदान क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसको SDG बोलते हैं, तो स्टेट में तो केरला ने टॉप कर लिया दोस्तों, ठीक है, आप लोग को बताया ही मैंने, लेकिन देश में बताया जाए तो हमेशा से तो देख रहे हैं
इधर 2019 के बाद से देख रहे हैं मोदी की सरकार में सब चीज़ में हम लोग पीछे ही होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर आगे कैसे रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले क्या था 2020 का बात करें तो 115वां रैंक आता था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट में, और ये दो पायदान घटकर कितना हो गया दोस्तों 117वां। तो याद रखिएगा 117 रैंक है 17वें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। यहाँ पर भी देख सकते हैं 17वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट है इंडिया का, तो उसमें इंडिया का रैंक क्या होगा 17वां ही होगा, 17वां में एक आगे लगा दीजिए तो 117वां होगा। ठीक है दोस्तों, और वैसे भी इसमें हम लोग आगे कैसे निकल सकते हैं, 115 था पिछले बार तो आगे कैसे निकल जाएंगे, तो आगे तो निकलना ही नहीं है। पेट्रोल का दाम घट कैसे सकता है, नहीं भाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डीजल का दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो उसी तरह से 115 से तो 117 होना ही था, वो तो ठीक हुआ दो ही अंक बढ़ा है। ठीक है, चार पाँच भी बढ़ सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो चार रैंक का बात किया जाए दोस्तों, तो कल ही मैंने बताया था कि मेंस का जो हॉकी टीम था वो FIH का वर्ल्ड रैंकिंग आया, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का वर्ल्ड रैंकिंग आया, उसमें मेंस का जो है चार रैंक आया मेंस हॉकी टीम का, और वुमेंस हॉकी टीम का भी बता दे रहा हूँ 9वां रैंक आया, क्योंकि आप लोग बाद में बोलेंगे वुमेंस का तो बताया नहीं, आप वुमेन डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। चलिए आ गई केरल की बात, ये हैं पिनरई विजयन, विजय रूपानी तो गुजरात के CM है। ठीक है दोस्तों, ये पिनरई विजयन है केरला के चीफ मिनिस्टर, और फिर से एक कारनामा किया है इन्होंने, क्या लॉन्च किया है इस बार, नॉलेज इकोनॉमी मिशन। ठीक है दोस्तों, तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन को किसने लॉन्च किया है, केरल ने लॉन्च किया है दोस्तों। इसके तहत क्या होगा दोस्तों कि हम लोग जॉब प्रोस्पेक्ट्स को बूस्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जॉब की जो उपलब्धता है उसको हम लोग बूस्ट करेंगे स्टेट में, क्योंकि जो भी नॉलेजबल वर्कर है उनको जो है सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर जो आपके पास, आप केरल में रहते हैं, आपके पास नॉलेज है, तो नॉलेज वर्कर हैं आप लोग, तो आप लोग को सपोर्ट किया जाएगा, जिससे क्या है जॉब की प्रोस्पेरिटी जो है बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऐसा करना मैं वैसे भी केरल ही कर सकता है, K for नॉलेज इकोनॉमी मिशन। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा सबसे शिक्षित राज्य ही ऐसा सोच भी सकता है दोस्तों, नॉलेज इकोनॉमी मिशन। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, ये बात अलग है कि बिहार भले अशिक्षित राज्य है लेकिन सबसे ज़्यादा IAS IPS जो है बिहार और UP ही देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और वेस्ट बंगाल का बात किया जाए दोस्तों, तो वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन होना है। अब तो जो ममता दीदी बोलेंगी वही होगा, क्योंकि आप लोग न्यूज़ में भी देख रहे होंगे ममता दीदी तो 30 मिनट तक वेट करा दी हमारे प्राइम मिनिस्टर को, तो फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन करना है, वो चाहती हैं तो वो होकर ही रहेगा। मध्य प्रदेश का बात किया जाए दोस्तों, तो मध्य प्रदेश ने अंकुर योजना को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, और बिहार का बात मैं बताया ही नहीं कि बिहार ने हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया था, जिसमें घर घर जाकर स्वास्थ्य वर्कर जो है मरीजों का देखभाल करेंगे, COVID-19 से पीड़ित उसका टेम्परेचर लेंगे, और साथ ही साथ उन लोगों का ऑक्सीजन लेवल भी चेक करेंगे, तो वो कितना हो रहा है वो तो बिहार ही जाने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है विच यूटीज LG RK माथुर लॉन्चेज UTAB स्कीम। ठीक है दोस्तों, तो UTAB योजना का शुभारंभ किस यूनियन टेरिटोरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल जो कि RK माथुर हैं किया है, तो RK माथुर जी, देखिए इनके हंसी को। ठीक है दोस्तों, ये हंस नहीं रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, और RK माथुर जी लद्दाख के हैं दोस्तों, यूनियन टेरिटरीज के LG। ठीक है दोस्तों, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये मुस्कुरा रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि UTAB स्कीम जो है अभी तो इन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्टिंग में कोई थोड़े हंस देता है पूरा, जब पूरा हो जाएगा ये स्कीम तब जाके हंसा जाएगा। इसके तहत क्या होगा दोस्तों, तो आप लोग जान जाइए, 6ठा से 12वां तक के जो भी स्टूडेंट हैं उनको टैबलेट दिया जाएगा दोस्तों पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ाई के लिए उन लोग को टैबलेट मिलेगा। अब आप लोग याद कैसे रखेगा UTAB, तो आप लोग जानते होंगे टैबलेट मिलेगा तो वो लोग क्या देखेंगे दोस्तों, YouTube देखेंगे, तो इन्होंने ऐसा ही कुछ सोचा होगा कि YouTube देखेंगे तो यू तो रहना ही चाहिए, टैब जो भी स्कीम है उसमें यू तो रहना ही चाहिए, तो और टैबलेट देंगे तो UTAB। तो याद रखिएगा, UTAB स्कीम किसने लॉन्च किया, लद्दाख के RK माथुर जी ने, ठीक है, जो कि लेजिस्लेटिव गवर्नर हैं। तो इससे तीन क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, लद्दाख के लेजिस्लेटिव गवर्नर RK माथुर जी जो कि यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं, ये हंसेंगे भी UTAB स्कीम जब इनका कंप्लीट हो जाएगा तब। और पहले चरण में ये 9th से 12th तक के बच्चों को टैबलेट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, जो भी लद्दाख के हैं वो लोग जाकर ले लें, और ज़्यादा ये ना करें, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा क्राउड ना करें। और केरल, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश के बारे में मैंने आपको बताया ही। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच कंट्री लॉन्चेज ग्लोबल एनर्जी इनिशिएटिव मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो आप खुद सोचिए मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, यहाँ पर क्लीन आ गया दोस्तों, स्वच्छता की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा बात कौन कर सकता है, तो हमारा अपना इंडिया ही कर सकता है दोस्तों। तो इंडिया ने एक लॉन्च किया ग्लोबल एनर्जी इनिशिएटिव, जिसका नाम क्या है, मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। तो जहाँ भी आप देखिएगा मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, क्लीन यहाँ पर आपको दिख गया तो वहाँ पर आप टिक कौन सा कीजिएगा, इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को किसने स्टार्ट किया है दोस्तों, तो इंडिया ने स्टार्ट किया है। क्लीन एनर्जी पर रिसर्च किया जाएगा। अब हम लोग स्वच्छता तो देख लिए, घर घर स्वच्छ रह ही रहा है दोस्तों, आप लोग भी स्वच्छता में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और ये एक बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग स्वच्छ एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लीन एनर्जी की तरफ जाने के लिए हम लोगों ने मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को स्टार्ट किया है इंडिया ने, जिसके तहत क्या होगा दोस्तों, हम लोग क्लीन एनर्जी में रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देंगे। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बात चल रहा है, तो नरेंद्र मोदी के बारे में बता दूं, इन्होंने अप्रूव कर दिया है न्यू कंसलेट जनरल ऑफ इंडिया, कंसल्टेंट नहीं होगा दोस्तों, कंसलेट होगा। ठीक है दोस्तों, और न्यू कंसल्टेंट जनरल ऑफ इंडिया किसमें अप्रूव किया जाएगा, कहां पर बनाया जाएगा, तो अड्डू सिटी मालदीव में इसका बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, न्यू कंसल्टेंट जनरल ऑफ इंडिया अब रखे जाएंगे अड्डू सिटी मालदीव में, याद रखिएगा दोस्तों। और बात किया जाए जापान के बारे में दोस्तों, तो जापान के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि जापान में हाल ही में मेमोरेंडम और कॉरपोरेशन हुआ है इंडिया और जापान के बीच में, कौन से समझौते पर, तो अर्बन डेवलपमेंट कैसे किया जाए। आप लोग जापान का देखते होंगे, ऐसे तो गए नहीं होंगे, अगर जो गए होंगे कोई, तो आप लोग देखते होंगे उधर की सिटी कितनी क्लीन रहती है और कितनी अच्छी रहती है, तो वही अर्बन डेवलपमेंट के लिए, शहरीकरण डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने जापान के साथ मेमोरेंडम ऑफ कॉरपोरेशन किया है, तो ये अच्छी बात है दोस्तों, उनसे हम लोगों को सीखने को मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड वर्ल्ड प्रेस डे एज वेल एज यूएन रशियन लैंग्वेज डे ऑब्जर्व, विश्व प्रेस दिवस और संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो यूएन रशियन लैंग्वेज डे है तो वो मनाया गया 6 जून को, और वर्ल्ड प्रेस डे भी हम लोगों ने 6 जून को मनाया। ठीक है दोस्तों, 3 जून का अगर जो बात किया जाए दोस्तों, तो वर्ल्ड बाइसाइकिल डे हम लोगों ने 3 जून को मनाया। ठीक है दोस्तों, तो बाइसिकल चलाइएगा 3 जून को, और बाइसिकल पे इन्होंने बुक भी लिख दिया है एक विनोद ने, तो ये भी याद रखिएगा। और 4 जून को हम लोगों ने वर्ल्ड डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाया। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ा डे है 4 जून वाला। ठीक है दोस्तों, और 5 जून वाला एक तो बड़ा डे है, कौन सा है आप लोग लिख सकते हैं, वैसे मैं बताऊँगा नहीं। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोगों ने कब मनाया, 5 जून को मनाया दोस्तों। ठीक है, When did World Food Safety Day observe? तो World Food Safety Day हम लोग कब मनाते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका थीम क्या रहा, सेफ फूड टूडे फॉर ए हेल्दी टुमारो, स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित खाना। ऑब्वियस बात है दोस्तों, आज अगर जो आप सुरक्षित खाना खाएंगे, आज जो है अगर जो आप बैलेंस डाइट करेंगे, बैलेंस डाइट से याद आया हर्षवर्धन सिंह ने कौन सा योजना लॉन्च किया, आहार क्रांति, जिसमें बैलेंस डाइट के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो आज अगर जो अच्छा खाना खाते हैं तो कल जो है आप लोग क्या हेल्दी रहेंगे, ठीक है, और ज़्यादा उम्र तक जिएंगे आप लोग, कोरोना आप लोग को कोरोना भी नहीं होगा, कोविड भी नहीं होगा। तो इसका थीम क्या रहा, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो कि 7 जून को मनाया गया, उसका थीम रहा सेफ फूड टूडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, हु विंस नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021, किसने नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है। तो ये एक फ़ोटो है दोस्तों, इस फोटो के लिए नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 को जीत लिया है दोस्तों, किसने जीता है दोस्तों, तो थॉमस विजयन ने। तो याद रखिएगा इनके नाम में भी देखिए विजय है दोस्तों, मैंने बताया था इन लोगों का नाम ऐसे नहीं रहता है राम श्याम, इन लोगों के नाम में रहता है विजय, देखिए दोस्तों थॉमस विजयन, इनके नाम में ही विजय था, इसलिए इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया, कौन सा, नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का। ठीक है दोस्तों, और ये जो फोटोग्राफ है दोस्तों, और उसका नाम क्या रखा गया है, द वर्ल्ड इज़ गोइंग अपसाइड डाउन, तो नाम तो आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उनका मन किया होगा कि अपसाइड डाउन लिख दिया जाए, ठीक है, द वर्ल्ड इज़ गोइंग अपसाइड डाउन इन्होंने नाम लिख दिया दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, और ये बंदर या फिर लंगूर नहीं है दोस्तों, इसको बोला जाता है ओरंगूटन। ठीक है दोस्तों, तो ओरंगूटन का ये फोटो है जो कि पेड़ से नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये फोटो लिए हैं, इसी के लिए रखा गया, आप लोग भी फोटो लीजिए, आप लोग का भी हो सकता है नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 के लिए सेलेक्ट कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों,
और एटलेटिको मैड्रिड के बारे में मैंने बताया ही, ला लीगा टाइटल जो है इन्होंने ही जीता है। सुरेश मुकुंद के बारे में भी बताया, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड इन्होंने ही जीता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मिनिस्टर हैज़ रिलीज द रिपोर्ट टू द एक्सपर्ट कमिटी ऑन रोड मैप फॉर इथानॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-2025 एंड 300 इथानॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन इन पुणे। ठीक है दोस्तों, तो भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण 2020-25 के लिए रोड मैप पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट तथा पुणे में 300 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का शुभारंभ किसने किया है, तो और कौन करेंगे, ये कौन है दोस्तों, आप लोग पहचान नहीं रहे हैं क्या? ये हैं अपने नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, देश के प्रधान मिनिस्टर, ठीक है, प्रधानमंत्री, सॉरी नॉट प्रधान मिनिस्टर, दिस इज प्रधानमंत्री, ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं। तो देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये रिपोर्ट जारी किया है और इन्होंने बोला है कि अब जो है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का हम लोग यूज करेंगे। दोस्तों इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल क्या होता है दोस्तों, तो पेट्रोल में जो है अब इथेनॉल मिलाया जाएगा जिससे कि हम लोग बायोफ्यूल के रूप में उसे यूज कर सके दोस्तों। तो याद रखिएगा, खैर ये मत सोचिए कि इससे पेट्रोल के दाम अभी ही कम हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि आप मैक्सिमम 20% इथेनॉल मिला सकते हैं, ठीक है, और ऑयल कंपनी जो भी है उनको ये इन्होंने बोला है कि आप लोग जो है मैक्सिमम 20% तक इथेनॉल का मिश्रण मिला सकते हैं पेट्रोल में, ठीक है, पेट्रोल में आप इसको ऐड कर सकते हैं, और जो कि आप जो करेंगे कब से ये काम करेंगे, तो 1 अप्रैल 2023 से करेंगे। तो 2023 तक तो पेट्रोल डीजल के दाम कमने वाले हैं नहीं, जितना बढ़ते हैं बढ़ने दीजिए, ठीक है, हम भी नहीं कुछ कर सकते हैं, आप करिएगा भी तब भी आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करेंगे नरेंद्र मोदी सर करेंगे या फिर अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर करेंगे। पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। हर्षवर्धन सिंह का बात किया जाए दोस्तों, तो WHO की तरफ से इन्हें अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड मिला है दोस्तों, तो याद रखिएगा इनके बारे में। और नरेंद्र सिंह तोमर का बात किया जाए तो कल ही तो बताया था मैंने आपको, इंदस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया इन्होंने, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, वो भी प्रेजेंट थे, तो उनके प्रेजेंस में इन्होंने वैसा इंदस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया, ठीक है। इससे इन्होंने बोला है कि 5000 जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा, देखते हैं कौन जानता है 5000 मिलेगा या फिर 5000 रोजगार कम जाएगा, वो तो हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है दोस्तों, बोले हैं तो शायद मिल जाए। एस जयशंकर के बारे में बोला जाए दोस्तों, तो ब्रिक्स का जो मीटिंग हुआ था इस बार उसका चेयरमैनशिप किसने किया था? हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने, ठीक है दोस्तों। फॉरेन अफेयर्स का बात किया जाए दोस्तों, तो फॉरेन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है नरेंद्र मोदी की सरकार में, इसमें डाउट नहीं है, बात बाकी बहुत सारी चीज़ों में पीछे भी रही हैं, ठीक है दोस्तों। और बात किया जाए रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का, तो इस रिपोर्ट का थीम क्या रहा? प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर ए बेटर एनवायरनमेंट, बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और आज का मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तब भी कोई बात नहीं, मैं तो आगे वाले जो वीडियो है उसमें जवाब दूंगा ही। हु हैज़ वॉन इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो बुक तो आप लोग देख ही लेंगे इसमें कौन से बुक के लिए जीता गया है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, और इसको जीता किसने है, तो पहला ऑप्शन आपका यही रहेगा, नितिन राकेश या फिर जेरी विन, नीना गुप्ता, रवि शास्त्री या फिर सलमान रुश्दी ने। एक और हिंट मैं दे देता हूँ, रवि शास्त्री इसमें ऑप्शन में नहीं होगा, मतलब इसका करेक्ट आंसर रवि शास्त्री नहीं होगा। तो आपके पास बच गए 3 ऑप्शन, नितिन राकेश, जेरी विन और या फिर नीना गुप्ता या फिर सलमान रुश्दी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे देंगे तो अच्छा ही रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है दोस्तों। और आप लोग ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, लाइक और शेयर करना ज़रूर ना भूले दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, ये नहीं कि बस अपने देख रहे हैं मेरे दोस्त लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।